सब्सक्राइब कीजिए ट्रिपल एस शेप्स ऑफ इंडिया चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिपल एस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम शेप्स ऑफ इंडिया में और मैं हूं प्रखर तुलश्रेष्ठ। दोस्तों एक बार फिर से आ जाए हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, और दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन्विटेशन कार्ड के बारे में। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा, पर्सनली मैसेज करके पूछा हमारे फेसबुक अकाउंट पर कि सर बिजनेस का जो है इनविटेशन कार्ड कैसे बनाया जाए। सो इसके लिए आज हमने वीडियो बनाया और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए, जिससे कि आप पूरा जान सकें पूरी तरह से कि इनविटेशन कार्ड कैसे बनाए अपने बिजनेस का। दोस्तों जो भी आप कोई बिजनेस करते हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, या MLM हो, या किसी भी तरह का आपका बिजनेस हो, तो उसके लिए आप इनविटेशन कार्ड कैसे बनाएंगे? अगर आपके बिजनेस का कोई सेमिनार होता है, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार है, या सक्सेस रिव्यू सेमिनार है, या फिर फ्राइडे ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, या किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी सेमिनार है, तो उसके लिए आप इनविटेशन कार्ड कैसे बनाएंगे वो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अब आपको हम बताएंगे इनविटेशन कार्ड कैसे बनाने चाहिए, इनविटेशन कार्ड में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको एक सैंपल भी दिखाएंगे कि इनविटेशन कार्ड आपको किस तरह से बनाना है, क्या क्या होना चाहिए इस बिजनेस आपके इनविटेशन कार्ड पे क्या क्या लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए एक सैंपल हम आपको दिखा रहे हैं इनविटेशन कार्ड का। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पर जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको लिखना है और उस नाम के ऊपर अपना लोगो लगाना है। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है वो लोगो इसके ऊपर आपको लगाना है। अब यहाँ पर इस वाली साइड में अगर आप देखें इसके अपोजिट वाली साइड में तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनविटेशन, इससे कि पता चल जाएगा कि ये जो कार्ड है इनविटेशन के लिए दिया जा रहा है। और यहाँ पर इसके नीचे जो भी कोटेशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे यहाँ पर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है इसका जो है ये कोटेशन बिलीविंग इज अचीविंग वॉट एवर इट इज, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ने आपको दिया हो। और फिर यहाँ पर आप देखिए जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से ड्रीम्स आपके पूरे करा सकता है, तो वो काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन इनमें से जो मेन आपको ड्रीम्स लगे कि पूरे कराता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, उन सब की पिक्चर यहाँ पर आप लगा सकते हैं, उनकी इमेजेस यहाँ पर लगा दीजिए। फिर नेक्स्ट वाली लाइन में जो भी आपका बिजनेस है, जिससे भी आपका रिलेशन लगता है बिजनेस, जैसे कि ई कॉमर्स का है तो आप लिख दीजिए ई कॉमर्स प्रीव्यू सेमिनार, अगर डायरेक्ट सेलिंग का है तो लिख दीजिए डायरेक्ट सेलिंग प्रीव्यू सेमिनार, अगर नेटवर्क मार्केटिंग का है तो उसका लिख दीजिए, अगर फर्नीचर का है तो फर्नीचर का लिख दीजिए, अगर फर्निशिंग हाउस है तो फर्निशिंग का लिख दीजिए सेमिनार। तो जो भी आपका पर्टिकुलर सेक्शन हो, जो भी आपका पर्टिकुलर फील्ड हो, उस फील्ड का आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि किस फील्ड का है, और फिर आप लिख दीजिए प्रीव्यू सेमिनार। जैसे अगर बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार है आपका, नेटवर्क मार्केटिंग है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार। तो अब यहाँ पर आप देखिए वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, ये मौका सिर्फ जिंदगी में एक ही बार मिलेगा, वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी उसके लिए आई है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि जिस व्यक्ति को आप इन्विटेशन देने चाह रहे हैं, जिस व्यक्ति को आपने इन्वाइट किया है, उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है, मिस्टर या मिसेज जो भी है वो यहाँ पर आप लिखिए, मिस्टर मिसेज पर टिक कर दीजिए जिसको भी आपको देना चाहते हैं। तो यहाँ पर टिक करने के बाद सामने उसका नाम लिख दीजिए, नाम लिखने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल पैकेज फॉर ऑल। तो आप इस ये जो सेमिनार है, इस सेमिनार में आप क्या क्या बताने वाले हैं, किसके बारे में बताने वाले हैं? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा और एजुकेशनल पैकेज के बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा। उस व्यक्ति से बोल दीजिए कि सर आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड आपको बातें बताई जाएंगी, तो ये सेमिनार उसके लिए है। तो फिर यहाँ पर आप देखिए लिख रहा होगा यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड, यानी सर आपको इन्वाइट किया जाता है और आप आइए हमारे सेमिनार में। फिर जब आप इन्वाइट करेंगे तो आप ये भी तो पता होना चाहिए कि टाइम और डेट और वैल्यू क्या है, कहाँ पर सेमिनार होगा, कितना वक्त है, कब से होगा। तो डेट यहाँ पर लिख दीजिए, टाइम भी लिख दीजिए और वैल्यू लिख दीजिए, पास में से देख लीजिए। तो टाइम डेट और वैल्यू आपको बिल्कुल फिक्स लिखना है, कितने बजे शुरू होगा शार्प, और डेट कब है, और वैल्यू इसका कहाँ पर है। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, अगर कहीं भी कुछ गलती होती है तो किसी गलत जगह पर पहुँच जाएगा तो उससे आपका गलत इंप्रेशन चला जाएगा, तो इसीलिए इसको भरते वक्त ध्यान रखें। और यहाँ पर सबसे बड़ा ध्यान आपको ये रखना है जो व्यक्ति है उसके नाम की स्पेलिंग, क्योंकि जब वो नाम की स्पेलिंग चेक करेगा तो उसको पता चलेगा कि ये सही है कार्ड या नहीं है। अगर उसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही होगी तो वो खुश हो जाएगा, यार मेरे नाम की स्पेलिंग एकदम सही लिखी है उन्होंने, तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर लिखना है फ्रॉम, जो व्यक्ति है इस कार्ड को दे रहा है उसका नाम लिखा जाएगा यहाँ पर, नेम और फोन नंबर, नाम और फोन नंबर आप अपने यहाँ पर लिख दीजिए, जिससे कि व्यक्ति कुछ अगर पूछना चाहे, कुछ बताना चाहे तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। आप इसके पीछे वाली साइड पे क्या लिखा होना चाहिए यहाँ पर आप दोस्तों देख लीजिए, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ईमेल एड्रेस, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सारे अकाउंट्स, फेसबुक का अकाउंट, ट्विटर का अकाउंट, लॉगिन का अकाउंट, गूगल प्लस का अकाउंट, और जो भी आपको यूज़ करते हैं सोशल मीडिया उसका अकाउंट यहाँ पर आप दे सकते हैं,
जिससे कि उस व्यक्ति को आपसे कॉन्टैक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि आसानी से आपको कॉन्टैक्ट कर सके और जब वो वहाँ पर वेन्यू पर पहुँच जाए तो आप उसको रिसीव कर सकें आसानी से। तो इसलिए फ्रंट पे आपने दिया हुआ है फ़ोन नंबर, अगर फ़ोन नंबर आपके पास दो हैं तो अच्छा रहेगा कि दोनों फ़ोन नंबर साथ दे दीजिए, क्योंकि अगर एक नहीं मिलता बाई चांस तो दूसरे पे आपको कॉल करके बता देगा कि सर मैं आ चुका हूँ या मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, आप मुझे रिसीव कर लीजिए। तो दोस्तों इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया कि बिजनेस का विजिटिंग कार्ड कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस का विजिटिंग कार्ड कैसे बनाया जाता है और उसमें आपको क्या क्या लिखना होता है। और जो कि जहाँ पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कार्ड इन्विटेशन के लिए है, तो सबसे बड़ी बात आती है कि आप इन्वाइट कैसे करें, इन्विटेशन के लिए कौन सी अप्रोचेज अपनाएं, तो उसके लिए भी हमने बताया कि इन्विटेशन के लिए कौन सी तीन अप्रोचेज अपनानी है, तो वो तीन अप्रोचेज के बारे में हमने बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए। और इन्विटेशन कैसे करें इसका पूरा प्रोसेस भी हमने बताया, इसके लिए भी एक और अलग वीडियो है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप तीनों वीडियो देख सकते हैं, बिजनेस का विजिटिंग कार्ड नंबर टू, इन्विटेशन के थ्री अप्रोचेज, और नंबर थ्री इन्विटेशन को कैसे करें इसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो ये तीनों वीडियो आप जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारा कोई जैसी वीडियो अपलोड होगा तो आप उसको देख सकेंगे तुरंत सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों।